लागे रहे सांवरे। सो कैसे हो, स्वागत है आपका अमृतसरी आरके में। नमस्ते सभी को। सो आज हम देखेंगे मूवी विद पॉपकॉर्न, मतलब आज हमारा मूवी विद पॉपकॉर्न का टाइम है, जिसमें हमारे पॉपकॉर्न है ये अनार के दाने, एंड हमारी मूवी है धूमकेतु। इसका रिव्यू अब देखो देखने के बाद। सो मैंने बात की थी कि मैं धूमकेतु नामक मूवी का रिव्यू डालूंगा। सो जस्ट वो कल की वो पार्ट था, कल का शॉट किया था, आज शॉट कर रहा हूँ धूमकेतु के रिव्यू के बारे में। सो धूमकेतु नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मूवी है। जिसने ट्रेलर देखे उसमें काफी सारे आपको एक्टर्स दिखते हैं, अमिताभ बच्चन, रणवीर सिंह, सोनाक्षी और भी काफी जो फेमस एक्टर्स की बात कर रहा हूँ, तो वो सारे एक्टर्स का है स्पेशल अपीयरेंस कह सकते हैं, या अप्रोक्सीमेटली 1 या 1.5 मिनट का सीन होगा। सो मुझे भी लगा था कि काफी सीन्स होंगे उनके साथ, पर ऐसा नहीं है। फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग, पहले मैं इसकी रेटिंग की बात कर लेता हूँ। इसको मैं रेटिंग दूंगा 6/10। आप सोचोगे यार इतनी कम रेटिंग नवाजुद्दीन, क्योंकि जब आपके माइंड में नाम आता है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी, तो आप समझते हो यार कि क्या मूवी होगी, क्या उसने एक्टिंग की होगी। एक्टिंग तो वह हर बार सही करता ही है, पर इस बार शायद स्टोरी लाइन नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं इतनी लगी। उसमें क्या है कि स्टोरी में आपको हल्का बेसिक बताता हूँ कि वो एक राइटर बनना चाहता होता है, उसके गांव में उसको कोई जॉब देता नहीं है राइटर की, गुदगुदी किताब आती है या अखबार आता है, उसको उसमें काम करना चाहता है पर उसको जॉब मिलती नहीं उसमें। सो वो क्या करता है, फाइनली वो मुंबई जाता है, जैसे हर एक एक्टर जाता है ना स्ट्रगल करने के लिए, मुंबई में जाता है एज अ डायरेक्टर, सॉरी एज अ राइटर स्ट्रगल करने के लिए, पर बात वहाँ नहीं बनती एंड 1 या 2 महीने बाद चुपचाप वापस आ जाता है, और घर वालों को इंडायरेक्टली भाग के जाता है अपने मनोवा गाँव से। सो इसमें क्या है कि जो मुंबई में जो सीन, जितने भी सीन शूट हुए हैं, मतलब कि जब वो राइटिंग कर रहा है या किसी कोई भी एक्टर आ रहा है, तो वो सारे सीन्स इतने डल लग रहे हैं कि बात नहीं बन रही है। पर उसी तरफ जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, उसकी जो परिवार वाले हैं, जो बीच में चाचा का थोड़ा सा रोल है, बुआ है उसकी, उसके पापा यानी कि दद्दा हैं, उन सबके रोल्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अच्छे बनाए गए हैं। पर उसी तरफ जो मुंबई के कैरेक्टर हैं वो, तो मतलब मैं तो मानूंगा कि इतना मुझे लगा कि जब मुंबई का सीन आया तो मैं खुद ही इतना बंद नहीं रहा था, मैं मूवी को तोड़ के देख रहा था मैं डायरेक्टली। पर गाँव का जब सीन आता था, हाँ जानकी बुआ, हाँ दद्दा, हाँ चचा, हाँ, तो वो सीन अच्छे है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरे हिसाब से एवरेज काइंड ऑफ मूवी है, मतलब लॉकडाउन में फ्री बैठे हो तो देख लो, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, मतलब मर्जी है यार। देखो गाँव के सीन्स बहुत अमेजिंग है, सिर्फ गाँव गाँव के सीन को अलग कर दो और मूवी को अलग कर दो, मैं उसको 6 की जगह पे 8 या 8.5 रेटिंग दे दूँ उसमें से। पर मुझे नहीं लगता कि अगर सिर्फ मुंबई का पार्ट हो उसको मैं रेटिंग भी देना चाहूंगा। सो यही है यार, यही है मेरा रिव्यू, यही है रेटिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट कर दें। नमस्ते।